नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डीएम व एसपी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने आजादी अमृत महोत्सव मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान देशभक्ति गीतों व भारत माता की जय से कैराना का पूरा नगर देशभक्ति के माहौल में रंग गया। शनिवार की शाम कोतवाली परिसर में डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक के नेतृत्व में धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गयी, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तिरंगा यात्रा मुख्य मार्ग व बाजारों से होकर निकाली गयी। इस दौरान व्यापारियों ने भी तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भारत माता की जय के नारों से वातावरण पूरी तरह से देश भक्ति के माहौल में रंग गया। इस दौरान एडीएम संतोष कुमार, एएसपी ओपी सिंह, सीओ विजेंद्र सिंह भड़ाना, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान, एसएसआई राधेश्याम सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। इससे पूर्व जिलाधिकारी जसजीत कौर ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सभी से आह्वान किया कि वह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए ताकि हम और आप सब लोग आजादी महोत्सव धूमधाम के साथ मना सकें। हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में हम अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कई तरीके के आयोजन हम लोग कर रहे हैं, सभी विभागों को हम लोगों ने जोड़ा है। पुलिस विभाग द्वारा भी, होमगार्ड्स द्वारा भी लगातार तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। उसी क्रम में आज हमने कस्बा कैराना में एक सर्वधर्म यात्रा, एक हमारी भारत की एकता के सिंबल देने, सिंबलाइज करने के लिए एक यात्रा जो है यहाँ कस्बा कैराना में निकाली है। इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग पार्टिसिपेट किए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मिलके, पूरा हमारा जनपद मिलके, पूरा हमारा कस्बा मिलके सब एक साथ मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और बहुत अच्छे से मनाएं। साथ ही साथ तिरंगा लेके यात्रा करी गई है और जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसमें हमें जनपद में लगभग 4 लाख झंडे सभी घरों में हम लोगों ने वितरित किए हैं और हम लोगों को वो सभी घरों में लगे हुए दिखाई दें, ये अनुरोध हम लोगों ने उन सभी लोगों से किया। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।